यस मैम यस मैम ओके वेरी गुड लेट अस स्टार्ट तो बेटा यू हैव स्टडीड पावर शेयरिंग व्हाट वी हैव स्टडीड पावर शेयरिंग इन द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इन दैट लेसन वी हैव स्टडीड फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग याद है ना फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना पहला पावर शेयरिंग क्या था हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग उसी से रिलेटेड ये लेसन है सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या था वर्टिकल पावर शेयरिंग तो आज हमें जो फेडरलिज्म पढ़ना है इट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें से ये सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं फर्स्ट वाला पावर शेयरिंग था हॉरिजेंटल जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता है ना डिफरेंट ऑर्गन्स मीन्स लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हाँ बस तो और अब हम लोगों को सेकंड फॉर्म पढ़ना है तो सेकंड फॉर्म में वर्टिकल था वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे यूनियन है ना यहाँ यूनियन गवर्नमेंट यहाँ स्टेट और यहाँ लोकल हम लोगों ने पढ़ा था ना थ्री टीयर्स तो आज हम लोगों को वही पढ़ना है टुडे वी हैव टू स्टडी सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट मीन्स वर्टिकल पावर शेयरिंग इट इज ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म वॉट इट इज नोन एज फेडरलिज्म क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस और लेसन है फेडरलिज्म फेडरलिज्म को हम हिंदी में संघवाद कहते हैं क्या है ये दिस इज अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग विच इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग दैट मीन्स पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल पावर शेयरिंग भी इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग That means power is distributed among different levels of government. हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जब ऐसा पावर शेयरिंग होता है यानी टॉप पर यूनियन सेकंड स्टेट और थर्ड पर लोकल तो यही विभिन्न स्तर हैं दीज आर द थ्री टीयर्स इन विच आवर फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के जो प्रावधान है जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने थ्री टीयर को अपनाया है कहीं कहीं ये टू टीयर भी होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंसेस पर भी होता है और केंद्र सरकार और प्रोविंसेस प्रांतीय सरकार और कहीं कहीं वो लोकल में भी चला जाता है जैसे हमारा कंट्री तो काफी बड़ा है इट इज वेरी वास्ट कंट्री एज वेल एज वेरी मच पॉपुलेटेड ऑल्सो तो यहाँ पर इतने सारे लोगों को और इतने बड़े देश को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी सी शक्तियों का सत्य की साझेदारी तो जरूरी है पावर शेयरिंग तो जरूरी है तो इसलिए हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम ओनली टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट वेर देयर बट द प्रोविजन फॉर थर्ड टीयर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट बट दैट वॉज नॉट स्टार्टेड इफिशियंटली थर्ड टीयर का प्रावधान रखा गया था ग्राम प्रधान का ग्राम पंचायत का लेकिन बहुत इफिशियंट नहीं था बहुत स्लो काम होता था कहीं पर चुनाव होता भी था गांव में कहीं कहीं मुखिया जी लोग 15-15, 20-20 साल तक रह जाते थे कोई उनके ऊपर कार्यवाही करने वाला नहीं था ना कोई पूछने वाला था लेकिन अब क्या हो गया है अब कंपलसरी हो गया है अब हम लोगों को यहाँ पर उसी चीज को पढ़ना है कि हमारे देश में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज फेडरलिज्म फेडरलिज्म हम किसे कहते हैं संघवाद किसे कहते हैं
तो फेडरलिज्म क्या है? तो व्हेनेवर द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट सबऑर्डिनेट यूनिट्स, देन इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म. जब सत्ता केवल एक के पास केंद्रित रहेगी, यानी कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो व्हाट विल हैपन? दैट विल बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वो एकात्मक सरकार हो जाएगी. एकात्मक मींस जिसकी आत्मा एक है, यानी कि सारे पावर एक ही जगह पर वेस्टेड हैं. और वैसे कंडीशन में क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है वही बहुत पावरफुल रहेगी, और स्टेट्स को वो जो देगी. सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीजों को स्टेट्स को सौंपेगी, बस उतने ही से स्टेट को काम चला लेना है. उनके लिए बहुत ज्यादा पावर्स या बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं. लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन जो है, वो अपने बहुत सारे पावर्स को स्टेट्स को शेयर कर देती है और उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है. केवल उसकी देखरेख करती है ताकि जो यूनियन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुचारू रूप से चल सके. जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें मदद भी करती है. और ऐसे कंडीशन में सेंट्रल का भी जो बर्डन है वो कम हो जाता है, क्योंकि पावर जो है वो शेयर हो जाता है, कई स्टेट्स के पास चला जाता है. तो स्टेट के पास जब पावर चला जाता है तो सेंटर की वो सारी, जैसे कि हम लोगों का स्टेट लिस्ट में जैसे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसको हम लोग जानते भी हैं और तुम लोग भी जानते, एग्रीकल्चर है, चाहे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, अब हर चीज एक सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ से हैंडल किया जाए तो वो दिक्कत भरा हो जाता है. तो उसलिए इसी के लिए कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट्स लिस्ट में दे दिए गए हैं, स्टेट्स को ही उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है. तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस अधिकार से मुक्त हो जाती है. तो यूनिफॉर्म लॉ की जहां जरूरत होती है, जहां पूरे देश के लिए एक ही तरह के कानून की जरूरत होती है, वहां पर कानून बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और वो सब यूनियन लिस्ट में दिया गया है. अब हमें इस लेसन में पढ़ना है वही सारी चीजों को. यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत में रिवाइज कर दिया गया है कि कैसे हम लोगों ने देखा बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को. We have studied the story, the case story of Belgium and Sri Lanka, and in that, what we have studied that in Belgium, the power was distributed to whom? To states. पहले बेल्जियम क्या था? Central authority के पास ही सारी power रहती थी, वो unitary form of government था. Students, यहाँ एक question आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहेंगे. बुक में भी दिया गया है, वहां पे आप उसको अंडरलाइन करके उसको अलग से नोट्स के रूप में तैयार करके याद कर लीजिएगा. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ होती है? तो इन दोज कंट्रीज वेयर द पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन गवर्नमेंट एंड The states are subordinate to the central government. ये central government के ऊपर state आश्रित रहते हैं. जब union government उनको power देगी तभी वो उसको utilize कर सकते हैं. अपने मन से किसी भी rule regulation को बनाने के लिए वो हकदार नहीं होते हैं. लेकिन federal government में क्या है? Just इसका उल्टा है. Whenever the power is taken from the central authority and it is distributed among different subordinate units, दूसरे छोटी इकाइयों में जब इस पावर को बांट दिया जाता है, सत्ते की साझेदारी कर दी जाती है, तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. तो जैसे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स पढ़ा, पहला एग्जाम्पल था बेल्जियम का, उसमें हम लोगों ने देखा कि पूरा पावर जो ऑथराइज थी वो यूनियन गवर्नमेंट ही थी, और वहां पर क्या हो गया कि देश का बंटवारा ही अजीब तरह का था. लगभग फ्रेंच भी बहुत कम संख्या में नहीं थे, 40% वो भी थे, और डच भी 59% थे, यानी 60% के लमसम थे, 1% जर्मन थे. लेकिन एकदम अपोजिट था, कहां पर? उसके कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में. ब्रुसेल्स में क्या था? 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे. अब इसीलिए वहां कंफ्लिक्ट हो गया था जब सरकार देखी कि डच पीपल जो है वो सब थोड़े से पिछड़े हुए हैं,
इकोनॉमिकली भी, और उनके पास उतना ज्यादा एजुकेशन भी नहीं था, तो गवर्नमेंट को लगा कि शायद इन्हें थोड़ा सा मदद कर देने से हमारा कंट्री बेटर तरीके से अपलिफ्ट होगा और अच्छा हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा. इसलिए उन लोगों ने क्या किया, डच को थोड़े से प्रेफरेंस देना शुरू किया उनके लिए, कहीं कहीं थोड़े जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है वैसे वहां डच के लिए काम किया गया, जो कि फ्रेंच को नागवार गुजरा. द फ्रेंच वेयर अगेंस्ट दिस, दे हैव अपोज्ड सच टाइप ऑफ प्रोविजंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब उसके लिए वहां पर 4 times कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और उस 4 times कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जब कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बनाई गई अलग से, और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या किया गया कि पावर्स को बिल्कुल सत्ते की साझेदारी कर दी गई. जो वलोनिया रीजन था, जो फ्लेमिश रीजन था, उनको स्टेट का दर्जा दे दिया गया और उनको भी अथॉरिटी दे दी गई. और साथ ही साथ जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डिफरेंट जिनका इथनिसिटी था, उन लोगों को भी 3 ethnic groups के लोग इलेक्टेड होने लगे कम्युनिटी गवर्नमेंट में, और उसमें से जिसकी मेजोरिटी होती थी, 3 में से जो 2 एग्री होते थे उसी के ऊपर ये सब कानून बनाते थे. तो इससे क्या हो गया कि सारे लोग धीरे धीरे क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गए. और जो कंफ्लिक्ट चल रहा था ऐसा एक्सप्लोसिव होने लगा था, बेल्जियम की स्टोरी लगने लगी थी कि अब बेल्जियम जो है वो 2 टुकड़े में बट जाएगा, एक वलोनिया रीजन बन जाएगा, एक फ्रेंच रीजन बन जाएगा. वो सारी चीजें सुधर गई और धीरे धीरे सब लोग सेटिस्फाइड होके रहने लगे. लेकिन उल्टा हो गया कहां पर, श्रीलंका में. वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ही, और लास्ट तक कितना भी डिमांड किए किन लोगों ने, तमिल्स ने, कितना भी तमिल्स का डिमांड चला कि हमें यदि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी अलग से पॉलिसी नहीं बना सकती है तो एटलीस्ट हमें तमिल इलम दे दिया जाए, लेकिन उन्हें तमिल इलम नहीं दिया गया और एट लास्ट वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ ही गवर्नमेंट रह गया. मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया गया, मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करने के लिए लोग बाध्य हो गए, जिसके वजह से वहां कंफ्लिक्ट हो गया और वहां पर लोगों की नाराजगी की वजह से ही सिविल वॉर हो गई. तो हम लोगों ने देखा कि जब फेडरलिज्म प्रैक्टिस जहां हुआ वहां पे लोगों के डिस्प्यूट्स को सुलझा पाना आसान हो गया. हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें थी. अब तुम्हें पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. तो स्टूडेंट्स तुम्हारे बुक में 7 features दिए गए हैं. ऑल दीज 7 features आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न बाई हर्ट. लर्न बाई हार्ट एकदम याद रखना है, रट लेना है सातों. उससे 1 word भी क्वेश्चन आता है, 1 marks का भी, 5 number वाला भी क्वेश्चन आता है और 3 number का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यानी कि हर वैरायटी का क्वेश्चन उसमें से तैयार हो सकता है. बुक में देखो डिफरेंट 7 features ऑफ फेडरलिज्म इज गिवन एंड यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज डिफरेंट फीचर्स. पहला फीचर क्या है, देयर आर 2 or more tiers ऑफ गवर्नमेंट. पढ़े हो ना, व्हाट आर द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट टीयर ऑफ गवर्नमेंट मींस यूनियन गवर्नमेंट, एंड 2 or more tiers का मतलब है सेकंड में स्टेट गवर्नमेंट भी हो जाएगा, और यदि 2 से more हो गए तो लोकल भी हो जाएगा. तो 2 or more tiers ऑफ गवर्नमेंट, या तो 2 रहे या तो 2 से ज्यादा भी रहे. जब इस तरीके के अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा और जो दूसरे टीयर्स है वो भी इफिशियंटली काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा. स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है क्या कि 6 o'clock से क्लास चलने वाली है तुम्हारी, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स तो कम दिखाई दे रहे हैं. नो मैम, एसएससी की क्लास सुबह ही में चलती है ना, इसीलिए तो बहुत लोग देखे नहीं है लग रहा है. मैम पता नहीं था तो सडनली शायद आदत छूट गया है मेरे बच्चों. तो वो बोले थे ना कि कल को शाम को 6 बजे ले लेंगे, यदि देखेंगे शाम वाला ठीक चलेगा तो शाम को ले लेंगे. वो मैम टाइम नहीं पता चला, टाइम नहीं पता था अभी ज्वाइन किया सारा समझ में. मैम अभी अचानक से नेट ऑन किए तो लिंक दिखा तो ज्वाइन किया है. अच्छा ठीक है, फिर से उसको रिपीट कर देंगे. तुम लोगों को कोई दिक्कत, बाकी बच्चों को भी मैसेज कर दो कि लिंक गया है भैया तुम लोग पढ़ो. केवल मैम अभी किए हैं, देखिए अभी कोई आएगा तो ठीक है. 25-30 बच्चे ही जुड़े हैं बस, और भी बच्चों को जुड़ना चाहिए क्योंकि एवरीडे 57-58 होते हैं इस ग्रुप में. तो शाम को ठीक है,
शाम को तो ठीक है, पूरा चारों एकदम पीस है, कोई कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई बाहर ही नहीं है, केवल हम ही लोग हैं। तो तुम लोगों को सब सभी के लिए क्या बोल रहे हो? क्या सभी लो, अब कौन बाहर बाइक वाइक लेकर के घूम रहा है और बस गाड़ी की आवाज आ रही है? बच्चे अब तो जुड़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। हाँ बोलो, अब तो क्लास भी खत्म हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा फटाफट। अभी ऑनलाइन क्लास? हाँ अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बोले थे ना कि इवनिंग में भी देखेंगे कौन सा अच्छा चलेगा, तो इवनिंग का अच्छा चलेगा तो इवनिंग में ही ले लेंगे। नेटवर्क एकदम नहीं कट रहा, जब से पढ़ा रहे जरा भी कटा नहीं है, नहीं तो दिखाता है ना नेटवर्क अनस्टेबल। तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को क्या है पता नहीं, अब फिर तुम लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। मैम अच्छा है नेट, नेट ठीक है ना? हाँ 6 o'clock से नेटवर्क ठीक हो जाता है। हम लोग भी पहले इवनिंग वाला क्लास लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। चलो ठीक है, तो क्या करें? 11 o'clock पे सर्वर बिजी है। हाँ 11 o'clock का क्या होगा? मैम बिजी रहता है नेटवर्क, बहुत नेटवर्क बिजी रहता है मैम। सुबह में बहुत ज्यादा क्लास चलता है इसलिए नहीं नेटवर्क रहता। सुबह क्लास ही नहीं चलता, बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब। देखो अभी जितना पढ़ा रहे हैं ना, जब से एक बार भी अनस्टेबल नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथली चला है। तो अब अभी ठीक चलेगा, शाम को तो इवनिंग में ही लेंगे। तुम लोग फ्री रहोगे तब ना? तुम लोग तो कोई कहता है कि मैडम हम लोग ये करते हैं तो वो करते हैं, सब डिस्टर्ब रहते हो। फ्री है, फ्री है। नो मैम फ्री रहता है। 6 o'clock से ठीक है। नो मैम जाएगा 6 से। मैम बहुत लोगों को टाइमिंग नहीं पता होगी इसलिए नहीं ज्वाइन किए होंगे। हाँ हाँ बच्चों को टाइमिंग पता नहीं, बोले थे इवनिंग में, लेकिन कुछ बच्चे तो पूछ लिए कि मैडम कितना बजे से क्लास लेंगे, तो बता दिए कि 6 बजे से बेटा। और कुछ बच्चे हैं पूछे भी नहीं, उनको मैसेज भी नहीं गया इसीलिए जुड़ नहीं पाए। जैसे जैसे मैसेज मिलेगा जुड़ जाएंगे सब। ठीक है तब क्या करें, फिर से इसको बताएं फेडरलिज्म को? यस मैम। ठीक ठीक है, तुम लोगों को यही बताएं कि जो तुम लोग पिछले क्लास में पढ़े हो सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस वाला जो फर्स्ट टॉपिक पढ़े हो, फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसके यहाँ इतना गाड़ी विसिल दे रहा है बेटा, बंद कर दो अपना म्यूट कर लो माइक, वरना सर को कह रहे हैं कि ट्रैकर्स लिस्ट में देखिए किसके यहाँ से आवाज आ रही है। तुम लोगों की आवाज आती है तो वहाँ पता चल जाता है, उस बच्चे का नाम लिख देता है कि आवाज इसके यहाँ से आ रही है। तो अभी हम बोले हैं कि नहीं इवनिंग में तो कोई खास ऐसा है नहीं क्या इतना चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं टेक्निकल वाले वो भी इवनिंग में कम हो जाते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लास भी अच्छे से रन कर रहा है, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है नेटवर्क का, तो इवनिंग में ही लेने से अच्छा रहता। जैसा होगा वैसा फिर अब डिस्कस किया जाएगा और फिर हम लोग फाइनल सेट करेंगे इवनिंग में चलेगा या 11 o'clock पे चलेगा। ओके ठीक है। अभी तो मैसेज सेंड करवा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सेंड करवा देंगे, कम क्लास में भी बोल देंगे, सारे बच्चे जान जाएंगे। ठीक है, और मैसेज सेंड करवा देंगे यहाँ से सर लोगों से कि बोल दीजिए बच्चों को कब क्लास लें, वो सब इवनिंग में लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा बोलो, कौन हेलो बोल रहा है, चेक कर रहे हो क्या? हाँ नहीं कोई नहीं आ रहा है, क्या आज तो हम लोगों का नेटवर्क एकदम अच्छा चल रहा है, हमारे पास डिस्टरबेंस हुआ तो उधर ही डिस्टरबेंस हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग टाइम में, अब तो सोच रहे हैं कि तब 6 बजे से चलाएं, क्योंकि सब लोग फ्री हैं, हम लोग 6 बजे से आके अपना पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग एवरीडे 6 o'clock रेडी रहना। ठीक है, यस मैम। ठीक है 6 बजे से चला देंगे, यदि कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा स्कूल में भी, हम स्कूल टाइम में बात कर लेंगे सर लोगों से भी। आज तो ट्रायल था ना, कल को बोले थे कि ठीक है 6 o'clock में हम थोड़ा एक बार चेक करेंगे, क्योंकि 11 बजे वाला रोज डिस्टर्ब होता है, तो सर लोग कह रहे थे कि नहीं थोड़ा सा मैंने आज को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था, अब नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। बोले अच्छा कल को इवनिंग में लेके देखते हैं, तो इवनिंग में तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इवनिंग में चलेगा तो चलाएंगे इवनिंग में ही, और मॉर्निंग वाला शिफ्ट वाला 11 o'clock को छोड़ देते हैं। तुम लोगों का भी कंटिन्यूस क्लास हो जाता है, तुम लोगों को भी बीच में रेस्ट मिल जाएगा, क्यों? ठीक है, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो
अभी तो कहीं बाहर भीतर जाना है नहीं, लेकिन वो बीच वाला टाइम मिल जाएगा तो उसमें तुम लोग अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, क्यों है ना, नोट्स वगैरह बनाते रहो, थोड़ा सा पढ़ो बाबू, पढ़ोगे तभी बढ़िया नंबर आएगा। अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि फेडरलिज्म के ये 7 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के एकदम हू बहू ये क्वेश्चन आता है। इतना कहने के बाद भी पिछले साल बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े नहीं थे, जब प्री बोर्ड में आया था, जब हम लोग खुद से पेपर बना मैंने दे करके टेस्ट किए थे, कॉपी चेक करे तो देख रहे थे कि उसमें से मैंने 30% बच्चे केवल लिखे हैं 5 फीचर्स, और एकदम बताया हुआ क्वेश्चन कि ये बोर्ड में आता है, फिर बोर्ड में बहुत कॉमन है वो क्वेश्चन, अक्सर आता है फेडरलिज्म का जो 7 फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है, 3 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। और यही 2 लेसन तो तुम्हें पढ़ना है हाफ ईयरली के पहले, क्या क्या, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, और हाफ ईयरली के बाद उधर क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, बस 4 ही लेसन है, एकदम छोटे छोटे लेसन है और एकदम इजी, जितना एकदम मैंने रट जाओगे ऐसा है, पढ़ोगे 10 बार याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें कुछ मैंने यहाँ भी केस स्टडीज दिए गए हैं, जैसे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, भारत में भी, तो हमारा मैप भी दिया गया है उसमें, ठीक है। और उस 7 फीचर्स को एक्सप्लेन करने के बाद, क्या क्या 7 फीचर्स है उसको पढ़ने के बाद, ये भी दिया गया है कि हमारे देश में उसका प्रैक्टिस कैसे होता है। तो 7 फीचर्स में क्या क्या है थोड़ा पढ़ के बताओ तो कुछ कुछ बच्चे। अंगद दे, अंगद गुप्ता कहाँ गायब हो गया है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, पूछ रहे तो आवाज नहीं आ रही है, यहाँ कहीं भी आ रही है, आ रही है मैम। हाँ तो तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो अंगद। मैम मैं, हाँ बोलो त्रिशा, बोलो। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट देयर टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये दूसरा वाला को सुनो, पहला वाला तो पढ़े हो क्या, 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर टीयर्स मींस पहला टीयर जो है वो यूनियन हो गया और दूसरा टीयर जो हो गया वो स्टेट हो गया, उसको कहीं कहीं प्रोविंसेस भी कहा जाता है, और थर्ड हो गया लोकल जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। अब दूसरा बता रहा है कि ऑल द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो भी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार, और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार, ये डिफरेंट ईयर्स हो गए, या लोकल गवर्नमेंट हो गई जो कि जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जिला परिषद, ये तीनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, भले 3 लेवल है लेकिन गवर्न द सेम सिटीजन, किसको गवर्न करते हैं, उन्हीं नागरिकों को, जिसको केंद्र सरकार गवर्न करती उसी को राज्य सरकार भी गवर्न करती है और उसी को लोकल भी गवर्न करती है। मैम नेटवर्क का ज्यादा ही तारीफ कर दी है, नेटवर्क जा रहा है। नहीं मेरे पास अनस्टेबल नहीं है, तुम्हारा दिक्कत हो रहा है, यहाँ तो बहुत जो है आपका रेड हो गया है, आपका ठीक है, एकदम ठीक है, मेरा नेटवर्क आप सही है, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है, आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारे यहाँ दिक्कत है बेटा, हमारे यहाँ तो ठीक है, कंटिन्यू। मैम वॉइस क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है, तो बहुत मस्त है। तुम्हें खुद पढ़ना भी है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स को देख करके समझो कि ये डिफरेंट क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन और टैक्सेशन, कौन बोल रहा है बेटा, किसका म्यूट नहीं है, जब तुम लोग आपस में बात करते हो तो म्यूट कर, क्या बोल रहा है, सेकंड ईयर में तुम लोगों को बताया है कि पहला लेजिस्लेशन टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है, ये तुम लोगों को पता है तो बताओ, बोलो
पता है? पता है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बोलो, बोलना है कि हम म्यूट करवा दें तुम लोगों को, तब बता है। मैम हाँ बोलो। मैम लेजिस्लेशन वन हु लेजिस्लेट द लॉ, वन हु मेक द लॉ। वेरी गुड। जैसे कि लेजिस्लेशन का है कि मान लो केंद्र सरकार यदि कानून बनाती, यानी कि जब केंद्र सरकार के यहाँ कानून बनेगा तो हमारे लिए जो लेजिस्लेचर है वो कौन होगा? संसद, पार्लियामेंट, जो हमारे लोकसभा के सदस्य वहां पर जाएंगे। जैसे हम लोग जब इलेक्शंस होते हैं तो दो तरह के इलेक्शंस में हम लोग हिस्सा लेते हैं ना। पहला इलेक्शन है लोकसभा का और दूसरा है विधानसभा, राज्यसभा नहीं, विधानसभा। और पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, इसको पहले तुम लोग क्लियर समझ लो। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक है पार्लियामेंट के टू हाउसेज, फर्स्ट है लोकसभा और अनदर है राज्यसभा। राज्यसभा पार्लियामेंट, ठीक। अब ये हो गया यूनियन पर, लेजिस्लेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो यूनियन का बता रहे हैं। पार्लियामेंट में तो इसके दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अब ये लोकसभा को ही हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, और इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तुम लोग क्लास नाइन्थ क्लास का जो तुम लोगों का लेसन फिफ्थ था ना, कौन खुट 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 कर रहा है बेटा? नाइन्थ क्लास का जो तुम लोगों का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लेसन था उसमें ये सारा पढ़े हो। तो हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि हम लोग जो है सिटीजन्स उन्हें चुनते हैं। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है दैट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई, दैट इलेक्शन इज इलेक्टेड बाई आवर रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं कहां पर? विधानसभा में। वहां से वो अपने डेलीगेट्स को चुन करके राज्यसभा में देते हैं। यानी हमारा डायरेक्ट कंट्रोल किस पर है? लोकसभा पर। लोकसभा के यदि सदस्यों को हम जिताते हैं तो वो जीत जाते हैं, नहीं जिताएंगे तो वो हार जाएंगे। यानी कि जिसकी कैंडिडेट्स मेजोरिटी में होगी वही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अब गवर्नमेंट जब वो बना रहा है तो कानून वही बनाएंगे ना। लेजिस्लेचर का मतलब ही है कानून बनाना, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास पास होने के लिए चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो लोकसभा है वहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए हुए हैं, और राज्यसभा में भी वो हमारे चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो गए हैं। यानी कि वो सारे लोग मिल करके एक हाउस में पास होता है कानून तो फिर दूसरे हाउस में जाती है, फिर दूसरे हाउस में भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट वहां पर उसको अपना एसेंट देता है, परमिशन देता है, साइन करता है, तो वो कानून बन जाती है। तो अब देखो वो लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिल करके जिस लॉ को बना रहे हैं, लेजिस्लेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही है। और यदि यहाँ विधानसभा में, हमारा विधानसभा कहाँ है? लोकसभा माने पार्लियामेंट कहाँ था? दिल्ली में, यानी वो यूनियन लेवल पर हो गया। यदि विधानसभा की बात करेंगे तो वो कहाँ है? तो वो हमारा यूपी का लखनऊ में है, बिहार का पटना में, हर स्टेट के उसके कैपिटल्स में है विधानसभा, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधान का मतलब ही है विधि, विधि मीन्स कानून, जहां कानून बनने का काम होता है। यानी कि लेजिस्लेट, लेजिस्लेट का मतलब टू मेक लॉज, जहां लॉ बनेंगे। तो ये कानून बनाने का काम हर राज्य की विधानसभा अपने राज्यों के लिए केवल करती है। तो मान लो लखनऊ में भी राज्य सरकार यदि कानून बनाती है, यानी राज्यसभा नहीं, राज्य सरकार, विधानसभा, विधानसभा यदि कानून बना रही है तो वो भी हमारे ही ऊपर लागू होगा। संसद जो कानून बनाई वो भी हमारे ऊपर लागू हुआ, विधानसभा जो कानून बनाई वो भी हमारे ऊपर लागू हुआ। और यदि हमने ग्राम प्रधान को चुना और ग्राम प्रधान यदि कोई भी कानून, तो वो नहीं बनाता, वो कोई भी हमारे लिए कोई भी काम करता, मान लो हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं या सड़कें बनवा रहे हैं या वो क्या कहते हैं बिजली की
व्यवस्था कर रहे हैं, सैनिटेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये सब हमारे ही लिए वो भी होगा। यानी डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है गवर्न द सेम सिटीजन, उन्ही नागरिकों के ऊपर वो शासन चलाएंगे, चाहे वो हमारे योगी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, दोनों ही लेवल की जो सरकारें हैं वो हम लोग सेम सिटीजन को गवर्न करती है, हमारे लिए ही लेजिस्लेट करती है। तो यहाँ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन का जो कानून है दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही नागरिक के ऊपर लागू होता है। तो ये क्या हो गया, लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासन कैसे चलता है, तो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने ही तुम्हारे सिविल सर्वेंट्स हैं, कैसे कैसे हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करवाना है, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन का वर्क, ये हमारे तुम लोग पढ़े होगे पिछले क्लास में कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो भी दो तरह का है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और एक एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स जिन्हें हम चुनकर भेज दिए, जो मंत्रीगण बन गए, विधानसभा के जो विधायक हैं, या क्या हो गया बेटा, व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम, हम कुछ भी नहीं, नहीं ना, तो विधानसभा के जो विधायक है वो बस विधायक मात्र हैं, लेकिन कौन खुटखुट कर रहा है, बाबू बंद कर दो अपना माइक, म्यूट कर दो खुटखुटाना है तो जो विधानसभा के विधायक हैं वो मात्र विधायक ही हैं, लेकिन उनमें से किसी को चुन करके हम लोग क्या करते हैं, मंत्री का पद दे देते हैं, और वो लोग मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं, और वो मंत्रियों को जो सेक्रेटरीज के रूप में मिले होते हैं वही सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और वो लोग जो कहते हैं, जैसा प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं। यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9, क्या आपने पढ़ा है क्लास 9 में कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। वस्तुतः अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इम्तिहान पास करके जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के रूप में, और वही मेनली पूरा जो भी कानून बनने वाला है, जो भी हमारे लिए प्रस्ताव लाना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो उनके द्वारा ही संचालित किया जाता है। बस लास्ट डिसीजन के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को पावर दे दिया जाता है, मंत्रीगण को घोषणा करने की अधिकार दे दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक सरकार है, तो हम लोग जिसको चुन करके भेजे हैं, चुने हुए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जब प्रशासन चल रहा है, तो उस प्रशासन को चलाने का काम जिस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है वो उन्हीं नागरिकों पर होता है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाए, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाए। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, पहला तुम लोगों को बताया लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और टैक्सेशन, टैक्सेशन मीन्स जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, हाँ टैक्स जो हम लोग पे करते हैं। तो जैसे तुम लोग देखो बेटा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम लोग यहाँ बगल में एक रोड भी जाती है, ये क्या है, स्टेट हाईवे है, हमारे स्कूल के जस्ट बाहर से जो रोड क्रॉस करती है ये स्टेट हाईवे है। तुम लोग लास्ट लेसन है ज्योग्राफी का, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें पढ़ोगे, और उसके उस पर एक रेलवे ट्रैक भी जाती है, ठीक है, वो इंडियन रेलवेज के अंडर में आता है। यानी कि जो भी हमारे टैक्सेस रोडवेज वसूल करती है वो कहाँ जाता है, रोड किसके अंडर में है, रोडवेज, स्टेट रोडवेज है। ये हमारे टैक्सेस का जो कलेक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारे टैक्सेस कलेक्टेड होंगे, पैसा रहेगा तभी तो वो इफिशियंटली काम को करेंगे। तो टैक्सेशन के मैटर में भी इन सबको सेपरेटली पावर दिया गया, जो हम लोग पढ़ रहे ना, डिफरेंट टीयर्स govern the same citizen but they have their own power, specific power, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं अलग अलग administration के लिए भी, legislation के लिए भी और taxation के लिए भी। तो अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि जैसे हम roadways में जो ticket कटाते हैं तो ये tax state government के पास जाती है, हमारा ही tax state government को जाता है,
और यदि हम रेलवे के लिए जो टिकट कटाते हैं तो उसमें जो भी टैक्स कलेक्ट होता है दैट इज फॉर इंडियन रेलवे, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो जाता है। तो हमारे ही ऊपर ये सारे कानून भी लागू होते हैं, डिफरेंट ईयर्स गवर्न द सेम सिटीजन, और उनका जो भी स्पेसिफिक मैटर है वो हम ही लोगों के लिए, हर नागरिक के लिए। और इस तरीके से कहीं का भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बहुत स्मूथली रन करता है, पावर शेयर हो जाता है। अब थर्ड टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे बेटा, बिकॉज रनिंग आउट हो रहा है टाइम, टाइम इज रनिंग आउट, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया जाए, या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, यू आर वेलकम। यस स्टूडेंट बोलो, कोई दिक्कत है पूछना है, या हम लोग फिर रिवाइज करें जो जिसका जो छूट गया जो बाद में ना। हाँ बोलो, या मोरल ना है, मोरल मैम लाइन नहीं सुनाई पड़ रहा बेटा, क्लियर आवाज नहीं सुनाई दे रही है तुम्हारी। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे बोलो। हाँ बोलो, हमारा नेटवर्क नहीं है बेटा।